ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे, झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। सभी दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। गांजा से जेएमएम प्रत्याशी और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी इसी क्रम में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी पुरानी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। वर्तमान सरकार की योजनाएं जनता को पसंद आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर विरोधी सरकार को परेशान करने का भी आरोप लगाया। तो कल्पना सूरी ने जी बिहार झारखंड से खास बातचीत भी की। दिखाएंगे आपको पूरा इंटरव्यू शाम 5:30 बजे सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। अगर ये अपने रिपोर्ट कार्ड में देख लेना तो मुझे लगता है इनको शर्म आ जाएगी अपने रिपोर्ट कार्ड में कि इन्होंने जब भी अपना हमेशा डंका बजाते हैं कि डबल इंजन की सरकार पहली बार झारखंड में 5 साल पूरे किए। आपके समय में तो आप लोगों ने कुछ भी निकाला भी नहीं, ना नियुक्तियां निकाली ना अपने परीक्षाएं करवाई। हम लोगों ने तो यहाँ पे परीक्षाएं भी करवा ली और हमारे बच्चे वहां पर में अपने कार्यभार भी संभालने लग गए, और बशर्ते जितने इनके संवैधानिक संस्थान हैं सब आकर के झारखंड में बैठ जाते हैं। अगर हम कोई भी योजना निकालते हैं, मैया सम्मान योजना निकाले, तो इन्हीं के पीआईएल गैंग वाले आकर के उसमें पीआईएल कर देते हैं। अब मजे की बात ये देखिए, पीआईएल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये अपनी गोगो दीदी लाते हैं। मतलब आपको वाकई में ये पता है कि झारखंड की जनता ये जान चुकी है कि जो मैया सम्मान योजना है वो उनको पसंद आई है, और हेमंत सोरेन जी ने उनको जिस वक्त पे दिया है ये सवाल, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि झारखंड में ईडी हो, सीबीआई हो, सब हमारे उन राज्यों को टारगेट करते हैं जहां इनकी सरकार नहीं होती है। क्यों इनकी जहां पे सरकार होगी वहां पर में ईडी सीबीआई नहीं जाएगी? झारखंड